सुगर आप भी फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम यूज़ कर रहे हैं या फिर आप न्यू यूज़र हैं और बहुत सारी पेमेंट ऐप्स देखकर कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं विच वन इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो गाइज मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को टिल द एंड ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले डिटेल टेक्निकल कंपेरिजन इन तीनों ऐप्स का, जो कि आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को टिल द एंड देखने के बाद आपके सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। But before that, please hit the subscribe button and press the bell icon for getting latest videos update. So welcome back guys, this is Gaurav and you are watching GB Tech Street. So guys, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस comparison को हमने तीन categories में divide किया है, जिसमें हमारी सबसे पहली category है basic details and branding, second हमारी category है safety and security and third हमारी category है features and offers. So guys, हम तीनों कैटेगरीज में इन सभी ऐप्स को कंपेयर करेंगे और लास्ट में हम फिर जानेंगे किस कैटेगरी में किस ऐप को कितने पॉइंट्स मिले हैं और जानेंगे फिर कौन सी है बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर यूजेज। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट ऐप पर, जो कि है गूगल पे। सो गाइस इन 2017 गूगल लॉन्च इज फर्स्ट पेमेंट ऐप विद द नेम ऑफ तेज। सो गाइस उसके बाद इसका नाम चेंज करके गूगल पे रख दिया गया एंड इट वॉज फाउंडेड ऑन NPCI प्लेटफॉर्म, यानी नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के UPI प्लेटफॉर्म पर इस ऐप को फाउंड किया गया था। एंड सिंस इट्स लॉन्च इट क्रॉस द 8.5 मिलियन यूजर्स इन जस्ट 40 डेज। इसने 40 डेज में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था 8.5 मिलियन यूज़र बेस को अचीव करने का। एंड उसके बाद एट प्रेजेंट ये क्रॉस कर चुका है 100 बिलियन यूज़र बेस को गूगल प्ले स्टोर डाउनलोडिंग्स में। सो गाइस ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडियन मार्केट में। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। तो गाइस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में गूगल पे काफ़ी सिक्योर ऐप है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी ई वॉलेट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है पेमेंट रिसीव या सेंड करने के लिए, वो है NPCI का UPI प्लेटफॉर्म, यानी नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का UPI प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू आप पेमेंट रिसीव या सेंड कर सकते हैं। सो गाइस ये काफ़ी सिक्योर्ड है, इसके अंदर आपको डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। फर्स्टली आपको NPCI की सिक्योरिटी मिलती है और उसके बाद आपको गूगल की सिक्योरिटी भी इसके साथ मिल जाती है। तो गाइस इसके अंदर आपको फ्रॉड के चांसेस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ऐप्स, क्योंकि उसके अंदर आपको ई वॉलेट्स मिलते हैं। अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ पेमेंट करते हैं अपने ई वॉलेट से, तो उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू गूगल पे, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ UPI के थ्रू ही पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। सो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स एंड ऑफर्स के बारे में। गाइस चलिए अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं गूगल पे क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गूगल पे का 2020 का लेटेस्ट वर्जन है। सो गाइस इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू 2019 के वर्जन के। सो गाइस चलिए अब मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके फीचर्स की और कैसे ही आपको इस पेमेंट ऐप को यूज़ करना है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर स्कैनर पे का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद रिसेंटली पेमेंट्स को आप यहीं से कर सकते हैं होम स्क्रीन से ही, और रिसेंटली बिजनेस पेमेंट्स को भी आप होम स्क्रीन से यूज़ कर सकते हैं। और गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर प्रमोशन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिवॉर्ड्स, जो भी आप रिवॉर्ड्स कैशबैक मिलेंगे वो आपको इसमें आएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर ऑफर्स का ऑप्शन है, जो भी लेटेस्ट ऑफर चल रहे होंगे गूगल पे के आपको इस ऑप्शन में मिल जाएंगे। और यहाँ से आपको जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपनी सभी पेमेंट एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगा अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको इनवाइट योर फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड को किसी को इनवाइट करते हैं अपने रेफरल कोड के थ्रू, कुछ कैशबैक आपको मिल जाता है और कुछ आपके फ्रेंड को मिल जाता है। और गाइस अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप हमारे रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप अपने गूगल पे को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कुछ कैशबैक मिल जाएगा और कुछ हमारे चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा। सो गाइस इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप कोई भी न्यू पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, कोई भी आपको जस्ट अपना सिंपली नंबर टाइप करना और आप मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे, और यहाँ से आप कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज, आपको जस्ट सर्विस सिलेक्ट करनी है और ऑपरेटर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप जस्ट पेमेंट कर पाएंगे इजीली। और उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल रहा है फ़ोन पे, अगर किसी के आप फ़ोन नंबर से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी के फ़ोन पे, तो आप उस पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ फिर आप UPI ID को स्कैन करके पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने बैंक में ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र, तो वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, बिजनेसेस में आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको कुछ और ऑफर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको
कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे गोल्ड परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसके अलावा आप काफ़ी सारे जो बिजनेसेस हैं यहाँ पे उनको पे कर सकते हैं डायरेक्टली अपने इसी ऑप्शंस में जाकर। अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे गए तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली फूड्स में जाके देख सकते हैं कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं और उन पर क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं। सो गाइस, ये तो थे गूगल पे के काफ़ी सारे फीचर्स जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। सो गाइस, इसको आप इजीली यूज़ कर पाएंगे, काफ़ी यूज थ्रू ऐप है, आप कोई भी सिंपल यूज़र भी इसको यूज़ कर सकता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल ऐप रखा गया है ताकि कोई भी यूज़र इसको यूज़ कर पाए। सो गाइस, फुली पेमेंट ऐप है। सो गाइस, चलिए हम चलते हैं अपनी सेकेंड ऐप पर जो कि है फ़ोनपे। सो गाइस, फ़ोनपे 2015 में फ्लिपकार्ट के थ्रू लॉन्च किया गया था एंड 2016 अगस्त के अंदर ये फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप था जो कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को ऑफर कर रहा था। सो गाइस, इसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर इसने एक रिकॉर्ड अचीव किया था 10 मिलियन यूजर्स का, और एट प्रेजेंट ये 100 मिलियन को अचीव कर चुका है। सो गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। सो गाइस, फ़ोनपे भी एक काफ़ी सिक्योर्ड ऐप है क्योंकि ये भी एक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और ये भी एक RBI अप्रूव्ड ऐप है। सो गाइस, इसके अंदर आपको काफ़ी सिक्योरिटी मिल जाती है, डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर आप पेमेंट करते हैं UPI के थ्रू तो आपको UPI यानी NPCI की सिक्योरिटी भी मिल जाती है और साथ में आपको फ़ोनपे की सिक्योरिटी तो मिल ही रही है। और गाइस, अगर आप ई-वॉलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको सिंगल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, यानी सिर्फ आपको फ़ोनपे की ही सिक्योरिटी मिलेगी। सो गाइस, इसके अलावा इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है सिक्योरिटी के अंदर, जो कि है फॉर एग्जांपल, अगर आपको अर्जेंटली किसी को पेमेंट करना है और अगर UPI का सर्वर डाउन चल रहा है तो आपका पेमेंट पेंडिंग में चला जाएगा और अब उसको उस टाइम पेमेंट नहीं कर पाएंगे और आपका पेमेंट रिलीज होगा यानी कि 4 to 5 hours या फिर कभी कभी तो आपको 1 day भी लग जाता है पेमेंट रिलीज होने में। सो गाइस, ये पेंडिंग में जाने से आई थिंक काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गाइस, आई थिंक फ़ोनपे को इस फीचर पे वर्क करना चाहिए। सो गाइस, बाकी ये काफ़ी सिक्योर्ड ऐप है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। सो गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऑफर्स एंड फीचर्स के बारे में। सो गाइस, चलिए अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं क्या क्या फीचर्स एंड ऑफर्स हमें फ़ोनपे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लेटेस्ट वर्जन है फ़ोनपे का 2020 का। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल है, बट इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू गूगल पे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। सो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक सर्विसेज की, क्या क्या आपको फीचर्स इसके अंदर मिल रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप देखेंगे आपको होम स्क्रीन, आपको अपना वॉलेट एक्टिवेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कार्ड आपको ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और उसके बाद अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। और गाइस, उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको ट्रांसफ़र मनी आप किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने जो भी आपके कॉन्टैक्ट हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सेल्फ कर सकते हैं, उसके बाद बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। और उसके अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको ऑफर्स मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट ऑफर्स चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो भी रिपोर्ट्स मिलेंगे वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे और रेफर एंड अर्न का ऑप्शन इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने किसी भी फ्रेंड को अगर आप इनवाइट करते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कैशबैक आपको मिल जाएगा और कुछ आपके फ्रेंड को मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप हमारे रेफरल कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं फ़ोनपे को भी। गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफरल कोड मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे अगर आप आएंगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, काफ़ी सारे पेमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। ये सब फीचर्स तो आपको फ़ोनपे में और गूगल पे सभी ऐप्स में मिल जाते हैं, ये कॉमन फीचर्स होते हैं। गाइस, उसके बाद हम नीचे आते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है कि कौन कौन से आपको नियरेस्ट स्टोर है जहाँ पे आपको फ़ोनपे का ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। और गाइस, उसके अलावा मैं आपको अभी स्विच अगर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, बट इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा, उससे पहले हम चलते हैं माई मनी पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माई मनी के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं या फिर कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। और पेमेंट के मेथड कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं UPI एक पेमेंट का मेथड है, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं एंड क्रेडिट कार्ड भी अपना लिंक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, बट वॉलेट में गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा RBI की अकॉर्डिंग सभी ई वॉलेट ऐप्स को आपको ऑफलाइन KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप ई वॉलेट ऐप को यूज़ कर पाएंगे, मतलब अपने ई वॉलेट के सभी फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे।
सो गाइस उसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड्स भी आपको मिल जाते हैं, परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से हम। और उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी आप ऑटो पे कर सकते हैं अभी अपने बिल्स को वगैरह को ऑटो पे लगा सकते हैं, या फिर अपने बिल्स वगैरह के लिए रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपकी सभी पेमेंट हिस्ट्री आपको नज़र आ जाएगी। और उसके अलावा बात कर लेते हैं हम स्विच ऑप्शन की। सो गाइस स्विच ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऐप्स मिल जाती हैं। सो गाइस ये वो ऐप्स हैं जिसके अंदर आपको जिनको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी ऐप्स हैं, इसके सभी फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टिकट बुक करना है तो आप यहीं से टिकट बुक कर सकते हैं। आपको IRCTC का ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपना पूरा IRCTC का सिस्टम इस पर यूज़ कर पाएंगे और ईजिली टिकट बुक कर पाएंगे। सो गाइस उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ जैसे बाकी कोई ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ओयो है, अगर आप कोई होटल बुक करना चाहते हैं और आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है, आप कुछ भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप साइन अप करके अपना लॉगिन करके ओयो की ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारी ऐप्स हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फूड कैटेगरी में इतनी सारी ऐप्स हैं, अपना ग्रोसरी कैटेगरीज में भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं, शॉपिंग कैटेगरीज में काफ़ी सारी ऐप्स हैं। सो गाइस इन सभी ऐप्स को आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये उन यूज़र्स के लिए है जो काफ़ी सारी ऐप्स रखना चाहते हैं बट उनके फ़ोन में स्पेस काफ़ी कम होता है, तो गाइस आप काफ़ी सारी ऐप्स को इसी एक ऐप के थ्रू ही यूज़ कर पाएंगे इस फीचर के थ्रू। सो गाइस ये काफ़ी अच्छा फीचर फ़ोनपे के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। सो गाइस ये तो थे फ़ोनपे के सभी फीचर। सो गाइस चलिए अब हम चलते हैं अपनी लास्ट ऐप पर जो कि है गाइस पेटीएम को 2010 में 197 कम्युनिकेशन के थ्रू लॉन्च किया गया था। फिर इस ऐप को मार्केट किया गया था विजय शंकर शर्मा जी के थ्रू। और गाइस इस ऐप के अंदर आपको इनिशियली काफ़ी कम फीचर मिलते थे लाइक मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज जैसे आपको ऑप्शंस मिल जाते थे, बट उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। एंड एट प्रेजेंट ये एक सिंगल ऐप है जो कि मोर देन 50% ऑफ मार्केट को कैप्चर करता है। मोर देन 50% ऑफ मार्केट शेयर सिर्फ इसी ऐप के पास है विद इट्स 250 million प्लस यूज़र बेस। सो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टू ऐप्स। सो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं इस ऐप की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। सो गाइस पेटीएम भी एक RBI अप्रूव्ड ऐप है, तो गाइस ये भी काफ़ी सेफ एंड सिक्योर्ड है। बट गाइस इसके अंदर काफ़ी बड़ा यूज़र बेस है जिसके कारण इस ऐप के अंदर आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड के केसेस आपको सुनने को मिल जाते हैं। सो गाइस एज़ कम्पेयर टू अदर टू ऐप्स ये थोड़ा सा कम सिक्योर है, बट इसके अंदर भी आपको NPCI की सिक्योरिटी मिल जाती है और पेटीएम की सिक्योरिटी मिल जाती है। बट इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं पेटीएम के अंदर जिसके कारण आए दिन कुछ ना कुछ हैकिंग या फिर कुछ ना कुछ फ्रॉड के केसेस आपको पेटीएम के सुनने को मिल जाते हैं। सो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स एंड ऑफर के बारे में और चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स एंड ऑफर के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूँ ये एक फुली लॉटेड ऐप, आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टू ऐप्स। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका होम स्क्रीन पर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। फर्स्टली आप ऊपर यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पेमेंट के ऑप्शन नज़र आए होंगे, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल वॉलेट में मनी ऐड कर सकते हैं। और गाइस इसके अलावा आप जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिचार्ज के ऑप्शन मिलेंगे, होटल बुकिंग के ऑप्शन मिलेंगे एंड मूवी टिकट्स वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि बाकी ऐप्स में भी आपको मिल जाते हैं। और गाइस उसके बाद आप मोर पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन ऑन मिल जाते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि इसके यूनिक फीचर हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपना क्रेडिट कार्ड बुक कर सकते हैं और जो कि आप कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेटीएम मनी का लिंक दिया गया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये गूगल प्ले पे, वहाँ से आप अपना पेटीएम मनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा थिंग्स टू डू, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो रिसेंटली अपने एरिया में इवेंट्स नज़र आ जाएंगे और वहाँ से आप उनके टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। और गाइस उसके अलावा इसके अंदर और क्या यूनिक फीचर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक पेटीएम फर्स्ट का ऑप्शन। तो गाइस ये एक सब्सक्रिप्शन ऑफर है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको आपको 750 का एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑफर्स मिल जाएंगे इसके अंदर।
जैसे कि आपको कैशबैक्स मिल जाएंगे, फिर उसके बाद आपको फूड्स कैटेगरी में अपना काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑफर मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको वर्थ ₹5,000 के डिस्काउंट्स मिल जाएंगे एंटरटेनमेंट के अंदर, और फूड कैटेगरी में आपको 6,000 के डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, ट्रैवल के अंदर 17,500 के डिस्काउंट तक मिल सकते हैं। तो गाइस ये एक वन एंड ओनली फीचर है इस ऐप का, जिसके अंदर जस्ट आपको एक ही सब्सक्रिप्शन खरीदना है और उसके अंदर आपको काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो गाइस इसके अलावा मैं बता दूँ, इसके अंदर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पेटीएम मॉल के थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैवल के अंदर आप जाएंगे तो ट्रैवल टिकट्स वगैरह सब कुछ आप बुक कर सकते हैं। सो गाइस ये तो नॉर्मल फीचर है जो कि बाकी ऐप्स में भी आपको मिल रहे हैं। सो गाइस ये तो थे पेटीएम के फीचर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँगा, अगर आप शॉप पे क्लिक करेंगे तो पेटीएम मॉल के थ्रू भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर बैंक पे क्लिक करेंगे तो ये भी एक यूनिक फीचर है जो कि है पेटीएम पेमेंट बैंक का, जो कि यहाँ से आप अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं। सेविंग अकाउंट होगा, नॉर्मल बैंक की तरह ही ये अकाउंट होता है, इसके अंदर भी आप अमाउंट जमा करा सकते हैं। तो गाइस ये तो था तीनों ऐप का डिटेल कंपैरिजन। अब डिपेंड करता है आपके यूजर्स पर, आप किस टाइप के यूज़र हैं, उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो गाइस अगर आपको सेफ़ एंड सिक्योर और सिर्फ एक पेमेंट ऐप चाहिए तो आप गूगल पे के साथ जाइए, और अगर आपको थोड़ा से फीचर्स के साथ एक सेफ़ एंड सिक्योर ऐप चाहिए तो आप फ़ोनपे के साथ जाइए, अगर आपको एक फुली लोडेड फीचर्ड ऐप चाहिए तो आप पेटीएम के साथ जाइए। सो गाइस ये तो था हमारा आज का डिटेल कंपैरिजन। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।